जब रिजल्ट नहीं आए थे तब सारे शिक्षक बोल रहे थे कब रिजल्ट आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। हर रोज रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे थे पिछले 2 महीना से। लेकिन जब रिजल्ट आए तो हुआ क्या, और उससे ज़्यादा परेशानियाँ क्या हो चुकी, बढ़ चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट तो NIS ने घोषित कर दिए, लेकिन हर किसी का जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने जो है पूरा का पूरा सारा एग्जामिनेशन सही ढंग से दिए, फिर भी उनके रिजल्ट में AB करके आ रहे हैं। उन्होंने सारा असाइनमेंट भी अपने स्टडी सेंटर पर अच्छे से जमा कर दिए, फिर भी जो असाइनमेंट का नंबर ही नहीं आए। यानी कि तरह तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे, हर प्रकार का समस्या यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार से करेंगे, कहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे, किस पर बात करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स हम आपको बताएंगे। यदि NIS से रिलेटेड से DLED के रिजल्ट को देखकर आपका परेशानी हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से अगर आपका नंबर मार्क्स कम आए हैं, फेल हो गए हैं, तो आपको आगे क्या करने होंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पर जो है बताने वाले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह हम बात करने वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में DLED कहते हैं, उन सारे कैंडिडेटों के लिए जो NIS से कर रहे होंगे, उनके लिए आज बहुत ही एक खास इन्फॉर्मेशन लाए हैं कि NIS जो DLED कर रहे हैं, उन शिक्षकों को अगर रिजल्ट में परेशानी से कैसे आपको बचना है, क्या करें, क्या ना करें, क्या करना पड़ेगा, आइए हम आपको बताते हैं। तो NIS ने कुछ जो है नंबर्स को, टॉल फ्री नंबर्स को बताए कि हैं, तो किस प्रकार से वह नंबर से कहाँ पर क्या बात करने होंगे, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पर समझाने वाले हैं आपको। वीडियो को अंतिम तक जरूर से जरूर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिजल्ट को लेकर किसी भी तरह के परेशानी पर टॉल फ्री नंबर 1800189393 पर आपको संपर्क जो है करने होंगे। यहाँ पर जो है जो भी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को लेकर परेशानी का सामना करने पड़ रहे हैं, और उसको जो है किसी भी प्रकार का रिजल्ट में अपने एब्सेंट आ गया है, गलती से क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम आ गया, तो अभी आप अपना मोबाइल निकालें और इस नंबर पर, टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें। फिर से एक बार नंबर को हम यहाँ पर दोहरा देते हैं कि 1800189393। तो इस नंबर को आप जो है याद कर ले और अपने जो है हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, इसको आप देख ले और इस नंबर पर ही आप कॉल करें। इस नंबर पर कॉल करके अपने समस्या का समाधान आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारे के सारे जो है डिटेल्स में आप पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ हुए हैं, क्या नहीं हुए। आपको सिर्फ क्या करने, जब आप बात करें तो आपको यही बताने, अपने सबसे पहले प्रॉब्लम बताने कि हमारा जो है यह प्रॉब्लम है, उसके बाद वो आपसे जो है आपका इनरोलमेंट नंबर मांगेंगे और आपको अपना इनरोलमेंट नंबर देने। इनरोलमेंट नंबर देने के बाद जो है आपके समस्या का समाधान चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो तुरंत अभी कॉल करें और आप हमें बताएं कि आपको किस प्रकार से समस्या। इसके साथ ही साथ यदि किसी कारणवश यह नंबर अगर आपको नहीं लगते हैं, क्योंकि हो सकते हैं बहुत सारे लोग जो है ट्राई कर रहे होंगे, तो हो सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर जो ऑफिशियली टाइम पर ही लगाएं, जैसे कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही लगाएं। अगर किसी पर अगर कोई हॉलीडे है तो वह उस दिन जो है इस नंबर पर कॉल जो है ना करें, क्योंकि हो सकते हैं कि वहाँ पर भी छुट्टी होंगे तो आपका रिंग तो होंगे बट कोई वहाँ पर रिसीव करने वाले नहीं होंगे। इसीलिए ऑफिशियली टाइम पर आप कॉल करें इस पर, तो आप जो है हो सकते हैं NIS के चेयरमैन से यहाँ पर जो है बात हो जाए। इसके साथ साथ एक मेल का भी सुविधा दी है, वहाँ पर भी मेल करके अपने प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। चाहे आइए वो ईमेल आईडी भी आपको हम बता देते हैं कि वो ईमेल आईडी क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो है आपका एक ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो है आपका एक ईमेल आईडी, इसको आप याद कर ले, DLEDRES@NIOS.ac.in। इस ईमेल पर आप ईमेल करें। याद रखिए जिस ईमेल एड्रेस से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसी ईमेल एड्रेस पर, यहाँ पर उसी ईमेल एड्रेस से यहाँ पर ईमेल करें, और ईमेल करके आप अपनी बातों को रखें। देखिए आप तुरंत ही आपका जो है प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है
तुरंत का तुरंत जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसीलिए आप सभी के पास दो दिए गए सुविधा, पहला टोल फ्री नंबर, दूसरा इस ईमेल। अगर फिर भी किसी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं हो पाते तो हमारे इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, हमारे द्वारा कोशिश किए जाएंगे कि आपका हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो हमें नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताएँ। आई होप आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं हमें कि कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख ले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समस्या नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।